आज मैं बना रही हूँ बनाना पैनकेक इसको बनाना बहुत आसान है और बच्चे को बहुत पसंद आता है नमस्कार भूमिज किचन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका इसको बनाने का बहुत ईजी प्रोसेस है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं बड़े भी इसको बहुत अच्छे से बहुत पसंद करके खाएंगे तो ऐसे तो पैनकेक ऐसे ही नॉर्मल बना बनता है लेकिन मैं इसमें बनाना ऐड कर रही हूँ इसके लिए मैं दो पके हुए केले को काट के ले लिया है और इसमें गेहूं का आटा डालेंगे एक कप इसमें हम डालेंगे चीनी हाफ कप वनीला एसेंस एक टीस्पून छोटा चम्मच में आपको एक चम्मच लेना है नमक आपको हाफ़ चम्मच लेना है और सूजी रवा जो है हाफ कप लेना है बेकिंग सोडा आपको हाफ़ टी स्पून लेना है ये देखिए बड़ा वाला चम्मच है इसीलिए मैं बहुत ही कम ले रही हूँ इसमें हम जिस कप में आप सूजी सु, रवा और गेहूँ का लिया है उसी कप में आप दो कप दूध मिलाएं। इसके बाद एक इसको ग्राइंड कर लेंगे तो अच्छी तरह से एक बैटर बन गया है हमारा तो ग्राइंडर जार में हम इसे मिक्सी में हम पिक्स लेते हैं तो बहुत आसान होता है अभी हम एक बाउल में इसको डाल लेंगे यहाँ पे नॉन स्टिक पैन को मैंने गरम करने के बाद ग्रीस कर रही हूँ ऑयल आप चाहे तो इसमें आपके पसंद के मुताबिक घी या फिर बटर डाल सकते हैं इसमें एक चम्मच बैटर फैलाएंगे बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है एक से डेढ़ चम्मच फैलाने के बाद इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे आप चाहे तो इसका फुल इंग्रेडिएंट्स और डिटेल्स मेथड जो है पढ़ सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये एक पैन केक रेडी हो गया है अभी मैं दूसरा बना रही हूँ इसको भी हम इसी तरह से फैलाएंगे देखिए मैं बीच में खोल के देख रही हूँ तो अच्छे से पका नहीं है लगभग आपको एक से दो मिनट लग जाता है इसको पकने के लिए और इस समय आपका जो गैस का फ्लेम है मीडियम रखें और बहुत जल्दी पलटने की कोशिश ना करें बहुत जल्दी आप पलटेंगे तो ये टूट सकता है तो इसीलिए एक बार आप एक से दो मिनट पकने के बाद मीडियम फ्लेम में उसके बाद ही आप पलटें या फिर एक दो मिनट के बाद पलटने की भी जरूरत नहीं है ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाता है अभी देखिए एकदम अच्छे से रेडी हो गया है इस तरह से बाकी मैंने जितना भी था सभी बेटर का मैंने बना लिया है अभी ऊपर से हम इसके ऊपर हनी स्प्रेड करेंगे शहद अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहते तो शहद को एवॉइड कर सकते हैं लेकिन शहद डालने से इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है तो अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो ज़रूर शहद ऐड करें इसके बाद इसको हम पीसेस में काट लेंगे इस तरीके से आपका जो आपका मन चहा पीसेस में आप इसको काट के सर्व कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा बना है तो बहुत जल्दी और कम टाइम में ये वाला पैनकेक बनता है तो बच्चे को बहुत पसंद आएगा ज़रूर ये रेसिपी बना करके देखिए आपका पैनकेक कैसा बना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक यू